स्वास्थ्य विभाग ने लोगों की जिंदगी बचाने का एक और बीड़ा उठाया है। जिंदगी और मौत के बीच झूलने वाले मरीजों की सांसों की डोर ना टूटे, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने एक प्रयास किया है। आपातकालीन हालत में क्रिटिकल मरीजों को वक्त रहते बड़े अस्पताल में पहुंचा दिया जाए, इसके लिए अब स्वास्थ्य विभाग के बेड़े में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस को शामिल कर दिया गया है। दावा है कि एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस लगभग 30 लाख रुपयों की लागत से ये एम्बुलेंस मरीजों के लिए जीवनदायी साबित होगी। सूबे के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज अम्बाला छावनी में इस एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिंदगी और मौत से जूझ रहे गंभीर मरीजों को जीवन दान देने के मकसद से अम्बाला कैंट के सिविल अस्पताल में एडवांस लाइफ सपोर्ट्स से लैस एम्बुलेंस लाई गई है। लगभग 30 लाख रुपयों की लागत से तैयार हुई एम्बुलेंस टाटा प्रोजेक्ट की ओर से स्वास्थ्य विभाग को भेंट की गई है। इस एम्बुलेंस की खास बात यह है कि इसमें वेंटिलेटर, हार्ट करंट, ऑक्सीजन और पॉइजन सेक्शन को शरीर से बाहर निकालने की सुविधा है। इसे चलता फिरता जीवन रक्षक आईसीयू भी कहा जा सकता है। अस्पताल को इस एम्बुलेंस की सौगात रेलवे के लिए लुधियाना से कलकत्ता तक फ्रेट कॉरिडोर तैयार कर रही टाटा प्रोजेक्ट्स कंपनी की ओर से दी गई है। इसमें खासियत ये है जी, जब भी हायर इंस्टीट्यूट में पेशेंट रेफर होता है तो उसमें जब भी पेशेंट वेंटिलेटर पे होता है तो एक तो इसमें वेंटिलेटर की सुविधा है, दूसरा इसमें SpO2 है, सैचुरेशन प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, तीसरा ऑटोमेटिकली BP ऑपरेटर्स है, मैनुअल है, दोनों है, तीसरा यदि पेशेंट का हार्ट काम करना बंद कर जाए तो उसको करंट देना है, डिफेब्रिलेटर की सुविधा है, ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफेब्रिलेटर की सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है, वेंटिलेटर की सुविधा है, और ब्लड शुगर चेक करना हो सुविधा है, लैरिंजोस्कोप से ET ट्यूब डाल सकते हैं गले के अंदर। तो ये पेशेंट के लिए एकदम बढ़िया लाइफ सेविंग ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, और इसमें 100% कोशिश ये रहती है कि पेशेंट को हायर इंस्टीट्यूट में बिना किसी दिक्कत के ले जाया जाए, एडमिट कराया जाए और उसका इलाज चालू हो सके और रास्ते में उसको मरने ना दिया जाए। बेसिकली एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम है इसमें, तो इसमें हम लोगों के यहाँ पे जो टाटा GMR कंपनी वर्क कर रही है, ये फ्रेट कॉरिडोर बना रहे हैं लुधियाना से पिलखनी तक, तो इनको हमने रिक्वेस्ट किया था कि अम्बाला में हम आधुनिक सुविधाओं के साथ में एम्बुलेंस डोनेट करें, तो उसमें इनकी मैनेजमेंट ने एग्री किया उस चीज को, तो टाटा ने ये अपनी CSR एक्टिविटी से ये इसको डोनेट। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एम्बुलेंस रूपी इस तोहफे का लोकार्पण किया और इसे हरी झंडी दिखाकर लोक सेवा के काम में उतार दिया। अनिल विज ने बताया कि ये बहुत उम्दा क्वालिटी का तोहफा स्वास्थ्य विभाग को मिला है, जिसका सीधा फायदा गंभीर हालत के मरीजों को मिलेगा। इसकी काफी आवश्यकता थी जो आज पूरी हो गई। इसके अलावा विज ने बताया कि अम्बाला कैंट सिविल अस्पताल में सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। तो लुधियाना से कलकत्ता फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है, उसमें पिलखनी तक टाटा GMR के पास कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने आज ये इस अस्पताल को ये तोहफा दिया है। ये एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम वाली एम्बुलेंस है जिसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, उसमें वेंटिलेटर भी है और मॉनिटर भी है, हर चीज़ ECG भी मॉनिटर हो रही है, हर जो ज़रूरी चीज़ है एमरजेंसी में जो इक्विपमेंट चाहिए वो सारा इसमें लगा हुआ है। अब इन्होंने तो हमें हैंड ओवर कर दी है, ये अस्पताल में रहेगा और इसके यहाँ पर अब जैसा मैंने आपको बताया कि हम कोशिश करते हैं कि हमें कोई पेशेंट रेफर ना करना पड़े, पर क्योंकि अब ये बहुत आधुनिक अस्पताल हो गया, सारी आधुनिक सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध हैं, और अगर कोई बहुत ही हाईली क्रिटिकल पेशेंट है जहाँ रोड साइड से किसी को उठाना पड़ता है तो उसके लिए इस एम्बुलेंस की यहाँ पर ज़रूरत थी। अस्पताल में रोज़ाना सब चीज़ें ऐड की जा रही हैं और अभी लेटेस्ट यहाँ पर जो दांत का इम्प्लांट है सिस्टम वो यहाँ पर स्टार्ट कर दिया गया है।